किराना व्यापार को कैसे सफल बनाएं, अपनी दुकान का विस्तार कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान खोल लेते हैं फिर दुकानदारी शुरू कर देते हैं। अगर आपने सही जगह पर दुकान खोली है तो आपको आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं, लेकिन कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि एक साल हो गया दुकान खोले, जितना कमा रहे थे उतनी ही कमाई है, या घर खर्च पूरा हो जाए उतना कमा लेते हैं। ऐसे में कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि यदि उनका खर्चा बढ़ गया तो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि कोई और साधन तो है नहीं कमाई का। आज ऐसे ही लोगों के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो को, जो ये सोचते हैं कि दुकान खोलने के बाद क्या किया जाए जिससे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो और पैसों की तंगी खत्म हो जाए, आपका व्यापार इतना चले कि एक और दुकान खोलने की नौबत आ जाए। तो चलिए जानते हैं किराना व्यापार को कैसे सफल बनाएं, अपनी दुकान का विस्तार कैसे करें कि ग्राहक आपकी दुकान पर तांते की तरफ लगा रहे। उपाय नंबर एक, सबसे पहले अपनी किराना की शॉप में वैरायटी बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहे और हर तरह का ग्राहक जिसे ग्रोसरी चाहिए वो आपकी शॉप पर आए, उसे जो चाहिए उसे मिल जाए, अपनी दुकान के सामग्री की एक लिस्ट बनाएं और देखें कितना माल और कितनी वैरायटी का माल आपकी शॉप पर है। सीरियल्स, ग्रेन्स, लेंटिल्स, बीन्स, फ्लोर, कुकिंग ऑयल एंड घी, होल स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स, पाउडर्ड मसालास, ब्रेकफास्ट आइटम्स, स्नैक्स आदि का स्टॉक रखें। यदि आपकी शॉप बड़ी है और आप एक स्टोर की तरह अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप इन आइटम्स के साथ टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, किचन स्टोरेज एसेंशियल्स, क्राफ्ट एंड स्टेशनरी आइटम्स, सम कुकवेयर एंड डाइनिंग आइटम्स आदि रख सकते हैं। उपाय नंबर दो, ग्राहकों की जरूरत के अनुसार सामान को रखें। जब भी दुकान की सामग्री की लिस्ट बनाएं तो ये जरूर सर्वे करें कि आपके पास जो ग्राहक आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है। आप चाहें कुछ महीने तक आने वाले ग्राहकों से फीडबैक भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि आपके ग्राहकों की डिमांड क्या है और उनकी डिमांड कैसे पूरी करनी है। उपाय नंबर तीन, कस्टमर सर्विस अच्छी रखें। याद रखें किराना स्टोर का बिजनेस सीधे ग्राहकों से जुड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में कस्टमर सीधे दुकानदार से जुड़ता है, तो दुकानदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहक के साथ प्रोफेशनल व्यवहार करे, कस्टमर सर्विस बढ़िया रखे। ऐसा ना हो कि ग्राहक जब आपकी शॉप पर आए और आपसे बार बार किसी चीज के बारे में पूछे तो आप उससे बुरा व्यवहार करें। उपाय नंबर चार, अपने स्टोर की ब्रांडिंग करें। किराना स्टोर और शॉप फेल होने के कारण ये है कि बहुत से दुकानदार मार्केटिंग करना जानते ही नहीं, या जो जानते हैं वो करते नहीं। एक कारण और है कि लोग मार्केटिंग में इतना पैसा लगा लेते हैं जिसे उन्हें घाटा हो जाता है, क्योंकि वो जहां पैसा लगाते हैं वो फिजूल है। ऐसे में आपको मार्केटिंग का बजट अलग से बनाना है और ऐसी जगह मार्केटिंग में पैसा लगाना है जहां से पैसा वापस आ सके, जैसे कि अपने ही दुकान का गिफ्ट वाउचर, डिस्काउंट कूपन, एक पर एक फ्री ऑफर आदि। मार्केटिंग करने से पहले यह अवश्य सोचें जहां आप पैसा लगा रहे हैं क्या वहां से पैसा वापस आएगा। सभी किराना स्टोर वालों को ये अवश्य बताना चाहेंगे कि आपको मार्केटिंग करनी चाहिए जिससे आपके ग्राहक और नए ग्राहक आपसे जुड़ सकें। उपाय नंबर पाँच, व्यवहार विनम्र और लॉयल कस्टमर बनाएं। ऐसे बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो किसी एक शॉप में सालों तक लगातार सामान लेते रहते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो दुकान बदलते रहते हैं। ऐसे में दुकानदार को चाहिए कि वो अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखे, खासकर उन ग्राहकों का जो उनके साथ सालों से या महीनों से जुड़े हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए दो, तीन या छह महीनों से लगातार एक दुकान से सामान खरीद रहे हैं, उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर, गिफ्ट आदि दे सकते हैं जिससे ग्राहक को अच्छा लगे और वो आपकी दुकान से भावात्मक और व्यवहारिक तौर पर जुड़ा रहे। तो दोस्तों, इन पांच उपायों से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। इससे अधिक और जानकारी हासिल करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजें, हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।